हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8th का चैप्टर है रैशनल नंबर, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें बोला है राइट टू रैशनल नंबर विच आर देयर अबोन रेसिप्रोकल, ठीक है। तो हमने कोई दो रैशनल नंबर बताने हैं जिनका जो रेसिप्रोकल है वो खुद ही वही नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। तो इसमें हमारे पास दो ही नंबर है रेसिप्रोकल जो होता है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स करें, उल्टा नंबर लिखे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दें तो वही सेम नंबर बन जाए, ठीक है। ऐसे दो नंबर बताने और दो ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें -1 एक ऐसा नंबर है, ठीक है। जैसे अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखे -1 का तो क्या लिखेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कितना था 1, क्योंकि हर एक नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है और हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखे मतलब इसका उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो 1/-1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और सेम चीज़ है ये, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन को नीचे लगाओ ऊपर लगाओ चाहे बीच में लगाओ एक ही चीज़ बनती है, ठीक है। तो एक तो ये नंबर हो गया कि अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो सेम ही नंबर मिलता है, -1 का रेसिप्रोकल -1। और सेकेंड नंबर था 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 1, अगर इसको हम लिखें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दें तो 1/1 फिर से सेम नंबर मिल रहा है। मीन्स हमारे पास दो ही ऐसे नंबर हैं -1 और 1 जिनका रेसिप्रोकल जो होता है वो सेम नंबर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला है विच रैशनल नंबर इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर, कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज करा जाता है रैशनल नंबरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, तो 1 इज द रैशनल नंबर विच इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर। और यह ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जो भी नंबर आपके सामने आता है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 12 ले लें मान लिया, ठीक है। तो ये जो रैशनल नंबर था इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है इसके साथ हम इस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई भी नंबर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बोला है एक्सप्रेस 2/-3 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -15। फर्स्ट पार्ट बोला है -15 डिनोमिनेटर के तौर पर हमने इसको जो है लिखना है, ठीक है। वी हैव नंबर, जो हमारे पास नंबर दिया गया है वो कौन सा है, रैशनल नंबर जो था वो था 2/-3, ठीक है। और ये जो था ऊपर वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में हमें बोला है डिनोमिनेटर को -15 बनाना है हमने, तो -15 कब बनेगा, जब 3 है हमारे पास तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तभी। तो हमने क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई इस नंबर को बनाना है तो ऊपर वाले नंबर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई भी करना है ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर देना उसको सेम नंबर से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2/-3 बाय कौन से नंबर से करना था, 3 है हमारे पास 15 बनाने, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है पहले से, बाय 5। वी हैव, अब लिखते हैं 2/-3 था, मल्टीप्लाई भी कर दिया 5 से और डिवाइड भी कर दिया 5 से, तो अब नंबर बन गया 5 2 10 डिवाइड बाय 5 3 15, तो -15, और डिनोमिनेटर हमारा जो है वो -15 बन चुका है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका, सेकेंड पार्ट में बोला है कि डिनोमिनेटर 18 बनाना है हमने, ठीक है। तो सेम नंबर दिया था हमें, वी हैव नंबर
जब वी हैव रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर गिवन था कौन सा था, 2 upon -3। ठीक है, तो इस नंबर को अगर हमने इसका डिनोमिनेटर 18 बनाना है, मीन पॉजिटिव, पहले हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दी गई है, तो मतलब हमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर में 18 बनाना है, मतलब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 upon -3 बाय कौन से नंबर से, 3 है, 3 6 18, तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। वी हैव, हमें क्या कौन सा नंबर मिलेगा, अभी देखिए 2 upon -3 था, मल्टीप्लाई भी कर दिया -6 से और डिवाइड भी कर दिया -6 से। अब डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस का नंबर आएगा नीचे, 6 3 18, जो डिनोमिनेटर हमें चाहिए था वो मिल गया है, यहाँ पे 6 2 12 और एक ही नेगेटिव साइन था, इसलिए ऊपर वाला माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना है -12 upon 18। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस 24 upon -30 एज रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर। पहले क्वेश्चन में हमने डिनोमिनेटर को चेंज करा था, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हमें जो रैशनल नंबर दिया है, वी हैव रैशनल नंबर इक्वल टू 24 upon -30, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। अभी हमें न्यूमरेटर को चेंज करना है, तो सेम जो उसमें हमने प्रोसेस की थी यहाँ पे भी सेम करनी पड़ेगी। तो अगर हमें 24 बनाना है तो 24 को किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 8 आए, और वो भी किसका आना चाहिए, माइनस का। तो यहाँ पे 24 जो है वो अगर 3 से डिवाइड करें तो 24 का 8 बन जाएगा, 3 1 3 3 8 24। तो ये कब आएगा, जब हम 24 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और यहाँ पे 8 बनाना था, तो डिवाइड करके तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमें फिर मल्टीप्लाई भी, अगर डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा सेम नंबर से, तो ऊपर वाला नंबर माइनस में चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, तो माइनस में मतलब हमें -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 24 upon -30 बाय -3। -3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करते हैं, तो देखते हैं क्या नंबर बनता है, 24 upon -30 मल्टीप्लाई -3 upon -3। 3 से ऊपर वाला नंबर कट हो गया, 8 3 24, 3 से 3 ये वाला कट कर दिया, 10 3 30। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नंबर क्या बचा है, नीचे वाला माइनस माइनस, तो नीचे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, 10 ही बचा था, और ऊपर बचा 8, यहाँ पे 1, तो 8 बनता 8, और एक ही नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस का 8। तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर जो था वो -8 आ चुका है, तो हमारे पास जो नंबर था वो ये आया है। अब करेंगे इसका हम सेकंड पार्ट में बोला है न्यूमरेटर को हमने -12 बनाना है, न्यूमरेटर जो था वो -12 बनाना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, अभी यही सेम नंबर था, वी हैव नंबर 24 upon -30। अभी 12 कैसे बना सकते हैं यहाँ से, तो 24 अपॉन को अगर 2 से डिवाइड करें 24 आ जाएगा, तो 2 से और ऊपर वाला माइनस में चाहिए, तो -2 से डिवाइड करेंगे और -2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ये भी लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 24 upon -30 बाय -2। तो डिवाइड करते हैं 24 upon -30, तो मल्टीप्लाई कर दिया -2 से और डिवाइड भी कर दिया -2 से। अब 2 से ऊपर वाला नंबर कट हो गया, 12 2 2, से नीचे वाला कट हो गया, 15 2 30। अब नंबर माइनस माइनस का प्लस हो गया, डिनोमिनेटर जो था वो आ गया 15 और अपर पोर्शन जो था वो 12 आया है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 12, तो न्यूमरेटर यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव का 12 आ गया है, यही हमने बनाना था यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया इफ x = 7/12,
तो जो हमें पहले गिवन वैल्यूज होती है वो लिख लेनी होती है, ठीक है। तो गिवन है हमें एक्स जो था वो 7/12 है, कोमा वाई इक्वल टू 0/12 है, एंड जेड इक्वल टू -5/12 दिया गया है, ठीक है। तो आगे बोला है राइट वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इक्वल टू जेड और जेड इज ग्रेटर देन एक्स। हमें बताना है यहाँ पे कि एक्स को इन तीनों में से कौन सी फिट बैठेगी। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई, जहाँ वाई जो है जेड के इक्वल है, जहाँ जेड जो है वो एक्स से बड़ा है, ठीक है। तो हम पहले इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे ना डिनोमिनेटर अगर सभी का सेम है तो क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमें डिनोमिनेटर सभी का सेम बनाना पड़ता है, पर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इस क्वेश्चन में, ठीक है। हियर डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स गिवन आर सेम और इक्वल, सेम है जहाँ इक्वल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो डिनोमिनेटर तो सेम है सभी का, तो भी हम न्यूमरेटर को देख के बताएंगे कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपर पोर्शन में एक नंबर था 7, दूसरा था 0, तीसरा था -5। तो देखा जाए तीनों में कौन सा नंबर बड़ा है। 7 जो है 0 से बड़ा होता है, 0 जो है -5 से बड़ी होती है, क्योंकि माइनस में जैसे नंबर बढ़ता है तो वो कम होते जाते हैं, उनकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। तो 7 जो है वो 0 से बड़ा है, 0 जो है -5 से बड़ा है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर क्या है, ये वाला। तो 7 वाला जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 7/12 जो था इज ग्रेटर देन है 0/12 से, और 0/12 जो था वो ग्रेटर देन है -5/12 से। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स था वो ग्रेटर देन है वाई से, और वाई जो था वो ग्रेटर देन है जेड से। तो इसके अकॉर्डिंग एक ही हमारी इक्वेशन में जो वैल्यू थी एक्स इज ग्रेटर देन वाई वो सही हो रही है। वाई इक्वल टू जेड है, क्या वाई जो है जेड के बराबर है? तो वाई जेड के बराबर नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। जेड क्या एक्स से बड़ा है? तो जेड वाली वैल्यू जो है वो एक्स से छोटी है, तो ये वाला जी ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एक ही क्वेश्चन हमारी जो है एक्स इज ग्रेटर देन वाली जो है वो ट्रू होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोला है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स। तो ये जो रैशनल नंबर दिए गए हमें, हमने इनका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें बोला है -6/7। तो रेसिप्रोकल का मीन्स होता है, जैसे ये नंबर लिखा है यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ आपको, जैसे -6/7 है तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है अगर हम इस सेम नंबर को उल्टा करते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा, तो आंसर जो होता है 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -6/7 इज क्या रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा और -6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम शो भी कर सकते हैं एज -6/7 जो था मल्टीप्लाई जब 7/-6 से करेंगे तो कट होके कितना आएगा, 1 के बराबर आना चाहिए हमेशा ही, तभी हमारा जो है रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन सही रहता है। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इजी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लिखना था रेसिप्रोकल ऑफ 3/-5 इज डायरेक्टली -5 ऊपर ले जाएंगे और 3 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पे 3/-5 जो था वो मल्टीप्लाई होगा -5/3 से, 3 से 3 कट, -5 से -5 कट हो जाएगा और 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -11/5 एंड -2/3। इन दोनों का सम करना है पहले, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ 3/5 एंड 7/3, ठीक है। इसके सम से
इसका सब माइनस कर देना है। तो लिखते हैं इक्वेशन को कैसे बनता है। पहले बोला है 3/5 का सम करना है किसके साथ, 7/3, तो ये दोनों को प्लस कर देंगे। इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे कौन सी चीज़ को, -11/5 इसका प्लस -2/3 का सम। ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है। तो यहाँ पे से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको इजीली जल्दी से कर सकते हैं। 3 3 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्रॉस कर दो और नीचे वाले आपस मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 प्लस 7 5 35/3 5 15, ये यहाँ पे आ गया। माइनस इन दोनों को करेंगे, -11 3 -33। अब 5 यहाँ पे अगर ये लगा था प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये तो कर लिया हमने, अब इन दोनों को करेंगे 5 2 10 और ये आया -10 और डिवाइड में 5 3 15। ठीक है, इसके आगे रहेगा 35/9 को कर दिया तो बन गया 44/15, यहाँ पे लगा है माइनस। अब बीच वाले इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो पहले ये तो -33 था, प्लस माइनस दो साइन इकट्ठे हैं तो इनको कर लो, प्लस माइनस माइनस का 10/15 इक्वल टू दोबारा से इसको 44/15 माइनस, इन दोनों का करा माइनस प्लस, माइनस में 33 से 10 क्या तो बन गया 23, बड़ी टर्म माइनस की तो यहाँ पे माइनस रहेगा, डिवाइड में कितना था 15। अब दोबारा से आगे और रिड्यूस करा 44/15, अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये था 23/15। अब डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 15 है उसका 15 है तो हमने लिख दिया 15। ऊपर वाले दोनों को प्लस कर देते हैं, 44 प्लस 23, तो जब ये करेंगे 4 3 7, 4 2 6 और नीचे 15। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो था सॉल्व करके ये आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बोले सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा वो माइनस करना है किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ 4/15 2/-5, इन दोनों के जो सम आएगा उसमें से माइनस करना है। इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पता नहीं चलता कि इसमें से ये माइनस करना है या इसमें से ये माइनस करना है। तो जब भी फ्रॉम का, फ्रॉम को देख के पता लगाना है कि जहाँ से फ्रॉम लगाया, फ्रॉम मतलब इसमें से वो माइनस करना है। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन को। पहले बोला है फ्रॉम द सम ऑफ इसके सम में से, तो 4/15 प्लस 2/-5, इसके सम में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -3/10 प्लस 5/8, इसका सम जो आएगा। अगर आप स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन को करेंगे तो जरा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। इसके बाद इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 5 4 माइनस का 20 बन जाएगा। बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, 2 15 2 30 और नीचे 15 5 75 और माइनस के, तो ये तो आ गया इसका, आगे लगा है माइनस। जब इनको करेंगे 8 3 24 माइनस का, यहाँ पे लगा है प्लस 10 5 50 डिवाइडेड बाय 10 8 80। ठीक है, इसके आगे इसको करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 30 में से 20 देंगे तो 10 आएगा, डिवाइड में था -75 और यहाँ पे बड़ी टर्म प्लस की है तो प्लस में रहेगा हमसे, और नीचे था माइनस का 75। आगे जब इसको करेंगे यहाँ पे था माइनस, अंदर वाली वैल्यू करें माइनस प्लस माइनस होगी, 50 में से 24 गए तो 26 आ जाएगा, वो बड़ी टर्म है प्लस की तो प्लस में रहेगा। ये माइनस जो थी ये बाहर वाली है, अंदर वाला साइन जो है पॉजिटिव रहा है और नीचे था 80। ठीक है, तो इसके आगे इसको और ज़्यादा करेंगे क्वेश्चंस को। तो अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ी टर्म्स है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम से कर लो और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा आपस में नीचे वाले मल्टीप्लाई, तो 80 10 800 यहाँ पे लगा माइनस। अब 26 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो,
तो ये बन गया 1950। ठीक है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना गया, ये माइनस का है तो माइनस में, ये भी माइनस में रहेगा। 1950 डिवाइड में था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 5 40, 7 8 57 56 +4 80। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, और एक जीरो ये थी तो एक जीरो लगा दी। ठीक है, 75 8 8 5 40, 8 7 56 +4 60। ठीक, सॉरी 60 6000 बन रहा है। ठीक है, और ये माइनस में था तो ये माइनस में। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले 800 +1950 डिवाइडेड बाय माइनस का 6000। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, फाइव, सेवन, टू, और डिवाइड में था माइनस 6000। तो जीरो से जीरो कट होगी, इससे आगे भी इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, फाइव के टेबल में दोनों ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये बन गया 275 था, डिवाइड में था माइनस 600। ठीक है, तो फाइव के टेबल में चला गया, 12 5 60, एक जीरो ये था, माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे 5 5 25, 2 बच गया, 5 5 25, तो 55 से चला गया, फिर से 5 से चला जाएगा, 11 5 55, और 2 5 10, और 5 4 20। ठीक है, तो यहाँ का 11 upon -24। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला गया इफ एक्स इक्वल 5/9 एंड वाई की वैल्यू 9/11 दी गई है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई, मतलब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट आएगा उसका मॉडुलस। मीन्स अगर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आते तब भी हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लेना है मल्टीप्लाई, अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है किसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक्स और मल्टीप्लाई का, तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स मल्टीप्लाई बाई का मॉडुलस फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 5/9 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू पुट करते हैं 9/11, इन दोनों का क्या लेना है हमने, मॉडुलस। तो यहाँ पे 9 से 9 कट हो जाएगा, क्या बचा 5/11, और वैल्यू तो पॉजिटिव ही है इसलिए इसको सिंपली हम 5/11 लिख सकते हैं। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसमें क्या है, पहले मॉडुलस ऑफ एक्स लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है मॉडुलस ऑफ वाई के साथ। तो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5/9, इसका मॉडुलस मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू थी 9/11, इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन जो था वो इजी है। तो 5/9 का मॉडुलस जो है वो भी 5/9 रहेगा, मल्टीप्लाई 9/11 का मॉडुलस जो है वो भी 9/11 रहेगा। 9 से 9 कट होगा तो क्या बच गया 5/11, यहाँ पे भी 5/11 आया था, ये भी 5/11 है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो था वो प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो थी इक्वल टू राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला है सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट दिया गया है इसका कि माइनस, उसके बाद ब्रैकेट शुरू है, 3/11 मल्टीप्लाई -5/6, अगर इसको सॉल्व करेंगे उसको माइनस कर देंगे 9/12 डिवाइडेड बाय 3/4, उसके बाद माइनस है 5/13 मल्टीप्लाई -6/15। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो इजी है, देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, पहले हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, बाहर तो लिखा है माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, 3/11 मल्टीप्लाई -5/6। ठीक है, माइनस का 9/12 डिवाइडेड बाय 3/4, फिर माइनस का 5/13 मल्टीप्लाई -6/15। ठीक है, ये वैल्यूज थी हमारे पास। तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वाला। ठीक है, तो दोनों रैशनल नंबर जो थे मल्टीप्लाई में थे, ये कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6। अब 2 से ना तो -5 कट हो रहा है, ना 11 से कट हो रहा है। ठीक है, तो इसको एज इट इज सेम लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस का ऊपर क्या है, -5 1 -5, और नीचे के 11 2 20। ठीक है, उसके बाद माइनस का, अब ये नंबर जो है ये लिखा है 9/12,
तो जब भी आपको डिवाइड में कोई रैशनल नंबर दिखता है तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 4/3, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पे देखा जाए 5 से जो है वो 15 कट होता है 3 के टेबल में, तो 3 से जो है वो 6 कट होता है, माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, यहाँ से कट करके क्या बचा था, माइनस का 2 और यहाँ पे 5 का 1 बचा था, माइनस 2 बन जा, माइनस 2/13 बन जा 13। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 5/22 बन गया, यहाँ से कट हो सकता है, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 कट हो गया, ठीक है। और ये जो 3 था इससे ये वाला 3 कट हो गया, मतलब होल वैल्यूज जो थी वो डिलीटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का पूरी वैल्यू यहाँ पे 1 आ गया, तो ये माइनस का 1। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2/13 बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमने इसको इसके नीचे 1 लगाया एलसीएम लेके, एलसीएम मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 22/13, 1 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है साथ में, तो ये आ गया 2 के टेबल, 11 2 से 22, ठीक है, और 13, फिर 11, और यहाँ पे 13, फिर 13 और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 11, यहाँ पे 13 और 11 का करेंगे तो बन जाएगा 143, ठीक है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 286, मतलब हमारा एलसीएम जो था इन तीनों नंबर्स का वो कितना है, 286, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं थी। अब 286 को 22 से डिवाइड करके, 286 को डिवाइड करना है हमने किससे, 22 से, तो 22 से करेंगे 21 22 3 जा, तो 13 से कट हो गया, ठीक है। अब जो डिवाइड करके आता है वो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 5 जा 65, फिर लगा है माइनस। अब 286 को 1 से डिवाइड करा, 286 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 286 ही आएगा। आगे है प्लस का, लगा है प्लस लगा दिया। अब 286 को हमने 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 बच गया, 13 2 जा 26 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 44। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले 65 और 44 का प्लस कर लेते हैं, 65 प्लस 44, तो ये आगे 9 1 0 9, माइनस 286 था डिवाइडेड बाय 286। अब यहाँ पे बड़ी टर्म माइनस की है, माइनस करना पड़ेगा, 286 में से हमें माइनस करना है 109 को, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7, ठीक है, 77 बन गया, 77 बड़ी टर्म माइनस की थी तो माइनस आएगा यहाँ पे, और 286, ठीक है। अब ये 11 के टेबल में कट हो जाएंगे, 11 2 जा 22, 6 बज गया, 11 6 जा 66, और ये 11 7 जा 77। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आया है वो आया है माइनस का 7/26, इसके बाद ये और रिड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका, जिसमें बोला सिंप्लीफाई, वही क्वेश्चन था सेम, ये वाली वैल्यू थी है मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना हमने, तो पहले जहाँ पे डिवाइड दिखता है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, माइनस 13/9 मल्टीप्लाई 15 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये भी सेम है, 7/3 डिवाइड आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 को ऊपर भेज दो, 5 को नीचे भेज दो, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 है, ये तो नंबर पहले से ही सिंप्लीफाई फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से कट होने वाला है ये वाला और ये वाला, ये दोनों नंबर 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 3 के टेबल में दोनों कट हो रहे हैं। यहाँ से कट होने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ से कट होने वाला कोई भी नहीं है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 5 और ये 13 13 5 जा 65, किसका, माइनस का, और नीचे 3 2 जा 6 आ गया। मल्टीप्लाई में ये वाला नंबर जो था तो 8 7 जा 56 और 5 3 जा 15, अब लगा है तीसरा प्लस का, और ये था ऊपर वाला नंबर, ऊपर मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और नीचे 5 2 जा 10। अभी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इसको सॉल्व करेंगे प्लस के इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले कट होते हैं, ये 2 के टेबल में 3 2 जा 6,
ये भी 2 2 ज़ा 4 और 8 2 ज़ा 16, ठीक है, तो ये आ गया 28। अब यहाँ पे ये वाला है 3 5 ज़ा 15 और 13 5 ज़ा 65। अब और कोई कट होने वाला है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस का 13 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 364। तो यहाँ पे ये आ गया ऊपर 364 और किसका है ये माइनस का, डिवाइड में 3 3 ज़ा 9 और प्लस में 3 अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इजी हो जाएगा थोड़ा। तो ये -364 मल्टीप्लाई 10 करा तो -364 10 की 0 मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्टली, प्लस 9 3 ज़ा 27 डिवाइड में 10 9 ज़ा 90। इसके आगे ये माइनस का ये प्लस का, तो होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3640 जो था उसमें से माइनस कर देना हमने 27, तो ये 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 1 6 3, 3613 आ गया यहाँ पे, ये आ गया 3613। वो बड़ी टर्म माइनस की थी तो माइनस में, वो नीचे था 90। इसके बाद अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये डिवाइड होता है तो, ठीक है। थर्ड पार्ट में पूछा गया है -2.5 -3.10 -4.7, इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो जहाँ पे भी हमें दो साइन इकट्ठे मिलते हैं उनको हमने क्या कर देना है मर्ज करके एक ही बना देना उनका। तो पहला तो सिंपल है -2.5 था, ये माइनस और माइनस 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 हो गया प्लस का, ये आ गया 3 अपॉन 10, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4 अपॉन 7। अब हम या तो एलसीएम मेथड से कर लें या क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले 2 को सॉल्व करना पड़ेगा फिर आगे जाएंगे, तो इससे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 10 और 7 का एलसीएम फाइंड करना है पहले, तो ये 5 के टेबल में चले जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे आ गया 7, फिर 2 के टेबल में चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 7 7, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो डिनोमिनेटर तो आ गया 70, एलसीएम जो था तीनों का 70। 70 को पहले 5 से डिवाइड करा तो 14, 14 को 2 से करा 28 और किसका था ये माइनस का, प्लस 70 को 10 से करा तो 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा 21, प्लस 70 को 7 से डिवाइड करा पहले तो 10 आ जाएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसके बाद ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 28 माइनस 21 करेंगे तो आ जाएगा 7, बड़ी टर्म थी माइनस की, प्लस 40 अपॉन 70। अब ये फिर से माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया, 40 में से 7 जाएगा तो आएगा 33, यहाँ पे माइनस था माइनस, सॉरी बड़ी टर्म जो है वो प्लस की है तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 70, तो इसके बाद ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है 1.2 मल्टीप्लाई 1.4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस माइनस 7 अपॉन 18 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन -15, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई में आपस में ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाले नीचे, 4 2 ज़ा 8, फिर उसके बाद माइनस है तो ये लगी हुई मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 से मल्टीप्लाई करें नंबर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1 करा तो 1/4 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लगा है प्लस, पहले इनको करते हैं हम -7 अपॉन 18, जहाँ पे डिवाइड दिखता है मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, 7 से 7 कट हो जाएगा ये 3 के टेबल में, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। और इसको आगे लिख लिया 1/8 प्लस 1/4 सॉरी माइनस 1/4, और यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे 5 बचा है, ये कट हो गया था पूरा, ये भी माइनस का, प्लस में हो गया ये 5, तो 5 और यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा सकते हैं, और नीचे 6 बचा है बाकी कट हो गया तो ये 6 आ गया। अब तीनों में एलसीएम लेंगे, 8 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 3 ज़ा, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा और 3 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो एलसीएम जो होगा इसका 24 आ जाएगा, 24 को 8 से डिवाइड करा तो 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3, आगे माइनस है माइनस लगा दिया, 24 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 6 आ गया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा 6, प्लस 24 को 6
से डिवाइड करेंगे तो 6 4 24 4 आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब 3 माइनस 6 करा तो माइनस का 3 प्लस 20 अपॉन 24, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा तो 17, बड़ी टर्म प्लस की नीचे था 24। तो इसी के साथ हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/18। दो रैशनल नंबर थे उनका प्रोडक्ट जो है 5/18 के बराबर है इफ वन ऑफ देम इज -3.20। उनमें से एक रैशनल नंबर -3.20 है, फाइंड द अदर, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट द सेकेंड रैशनल नंबर, जो सेकेंड रैशनल नंबर हमने फाइंड करना था उसको एक्स लेट कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर हमें गिवन है, गिवन दिया था फर्स्ट रैशनल नंबर वो क्या था, 5 -3/20, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं इसको। बोला जो दोनों नंबर थे उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस फर्स्ट रैशनल नंबर मल्टीप्लाई सेकंड रैशनल नंबर, दोनों रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो किसके बराबर उनका प्रोडक्ट है, 5/18 है, 5/18 है, ठीक है। ये बताया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स निकालना है हमें, तो इस वाले नंबर को उधर लेके जाते हैं, इक्वल टू इधर था 5/18। जब इस नंबर को उधर लेके जाएंगे, ये डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, माइनस थ्री इधर मल्टीप्लाई में था ऊपर, तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो नंबर था ये 10 2 20, ये 9 2 18, दोनों कट हो रहे हैं, इसके बाद कोई भी आपस में कट होने वाला नहीं नजर आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होगी 10 5 50 और 4 9 3 27, और ये था माइनस का, तो ये आ गया। तो हमारा जो रैशनल नंबर था वो कौन सा है, सेकेंड रैशनल नंबर इज 50/-27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1। दो रैशनल नंबर थे उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन जो था प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर्स दिया है -1 के बराबर, ठीक है। दूसरी चीज है वन ऑफ द रैशनल नंबर इज -17/8, ठीक है। वन रैशनल नंबर इक्वल टू -17/8, फर्स्ट वाला -17/8 है, सेकंड फाइंड करना है तो जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट सेकंड रैशनल नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि दोनों का जो प्रोडक्ट था फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर था एक था -17/8, दूसरा नंबर हमने लेट करा एक्स, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1 के बराबर। तो यहाँ से हम इजीली जो है इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इस साइड ही रहने दिया इसको, इक्वल टू दूसरी साइड था -1, जब हम इस वैल्यू को उस साइड लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में थी ना, तो उधर उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो एक्स जो 8 जो था, 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 उधर गया मल्टीप्लाई, -17 उधर गया तो डिवाइड में, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 8/17 आएगी। तो सेकंड रैशनल नंबर जो था वो कितना आ गया है, 8/17, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।